उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज हर वर्ष की तरह वाल्मीकि जयंती का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश नवयुवक वाल्मीकि चेतना समिति द्वारा केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फल वितरण और भंडारे का कार्यक्रम भी किया गया। आपको बता दें, नवयुवक वाल्मीकि चेतना सभा पिछले 25 वर्षों से इस कार्यक्रम को मनाती चली आ रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद कुमार सिंह गोप, पूर्व कैबिनेट मंत्री और अभिषेक मिश्रा शामिल रहे, जिन्होंने वाल्मीकि प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर और फल वितरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विजय वाल्मीकि जी की पूरी टीम को इसलिए बधाई कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आज अखिलेश यादव जी, जो कहना है गरीब किसान कमजोर के बीच में खड़े हो, उसकी मदद करो। विजय वाल्मीकि की पूरी टीम सदैव लखनऊ के अंदर जो कमजोर हों, जो गरीब, उनकी मदद के लिए खड़े होते हैं। मैं आज के दिन सबको वाल्मीकि जयंती की ढेर सारी बधाई देता हूं। ये उम्मीद करता हूं विजय वाल्मीकि जी का संगठन प्रदेश की तरक्की विकास के लिए काम करेगा। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, आज उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है, रोजगार ढूंढ रही है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। अगर कोई उम्मीद की किरण है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी आदि अखिलेश यादव जी हैं। हम लोगों ने ये प्रार्थना की भगवान से कि आने वाला 22 समाजवादियों को देश का सबसे नौजवान नेतृत्व अखिलेश यादव जी प्रदेश मुख्यमंत्री बने। आज कवि वाल्मीकि की जयंती है, जिसको लगातार 25 से 30 वर्षों से जो वाल्मीकि चेतना सभा है वो मनाते आ रही है। जी हाँ, आज लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास जहाँ पर वाल्मीकि जी की प्रतिमा उपस्थित है, वहाँ पर सभी लोग वाल्मीकि जयंती को एक जश्न के रूप में मना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ मौजूद है और यहाँ पर पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा और अरविंद सिंह जी भी मौजूद है, जो किस तरीके से इस सभा को सपोर्ट कर रहे हैं। भंडारा हो रहा है, फलों का वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की भीड़ है, सभी लोग यहाँ पर भंडारे में और फल के वितरण में किस तरीके से शामिल हो रहे हैं। और इनका कहना है कि ये सभी समाज सेवी मानते हैं कि 2022 में समाजवादी की सरकार आएगी और 2022 में उत्तर प्रदेश में ऐसा परिवर्तन होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ में आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।